अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वाक़यात पढ़ रहे हैं, और आज जो वाक़या हम पढ़ेंगे या जो किरदार हम पढ़ेंगे वो है अबू जहल का। अबू जहल के बारे में आप सब जानते हैं ना। अबू जहल जो है, इसका नाम अमर बिन हशाम था, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता था, एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और इसका जो ये कबीले का ना अपने सरदार था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज़्यादा इसकी बात मानी जाती थी, और इसके पास लोगों का हुजूम रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम फैलाना शुरू किया, इस्लाम की दावत दी लोगों को और एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, आपको सताने लगे, तकलीफ़ देने लगे। और उसमें यह अम्र बिन हशाम यानी अबू जहल ये सबसे ज़्यादा आगे आगे था। ये शख्स हद से ज़्यादा मगरूर था। ये तालीम तो थी इसके पास, लेकिन इसकी तालीम ने जो है ना इसे मगरूर बना दिया था। और आपको पता है ना कि तालीम कभी भी मगरूर नहीं बनाती। तालीम जो है वो इंसान को शऊर देती है। तालीम इंसान के अंदर शऊर किस तरीके से कि हर एक का ख्याल करता है, ऐसा शख्स अदब करता है लोगों का, बड़ों का अदब करता है, छोटों के साथ अच्छाई का मामला करता है, और फिर इसके साथ हक और बातिल यानी सही और गलत की पहचान भी रखता है। लेकिन ये शख्स जो है ये बहुत ज़्यादा मगरूर हो गया, और इसकी मगरूरियत का ये आलम था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं कि दुश्मन जैसे बन गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अबू जहल कहा करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, कुरान सुनता था, लेकिन इस पर ना कोई असर नहीं पड़ता था, और ये ऐसी ऐसी हरकतें करता था, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सता के बड़ा खुश होता था, बड़ा उस पर फ़ख्र करता था कि भाई मैंने ना कोई कारनामा अंजाम दिया है। तो कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई कि ना उसने सदका दिया, ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया। इस शख्स ने पहले दिन ही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा ना, तो उस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज़ पढ़ रहे थे कि इसका गुज़र हुआ, देखते ही बोला, मोहम्मद, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मुझे काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। और इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अच्छा, तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सज़ा के वरिश्तों को बुलाए देते हैं। बहरहाल, इस डांट के बावजूद भी जो है ना, अबू जहल जो है वो अपनी हिमाकतों से, अपनी गलत बातों से बाज नहीं आया, बल्कि और ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने लगा। चुनाचे सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार सरदारा ने कुरैश से यानी कुरैश के जो सरदार थे, अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है, यानी जब नमाज पढ़ते हैं ना तो उस पर गहराता है। ये जवाब दिया गया, हाँ। इसने कहा, लात अज़ा की कसम, अगर मैं इस हालत में उसे देख लिया तो इसकी गर्दन रोन दूंगा और इसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख लिया, और इस ज़ोम में यानी इस ख्याल में चला कि आपकी गर्दन रोंदेगा। लेकिन लोगों ने अचानक देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है, यानी पीछे को हट रहा है और अपना दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हुकम, यानी इसको ना अबुल हुकम भी कहते थे। लोगों ने कहा, अबुल हुकम, तुम्हें क्या हुआ है? इसने कहा, मेरे और इसके दरमियान आग की एक खंदक है और नाकियाँ हैं और पर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज़ू उचक लेते, यानी दरमियान में फरिश्ते थे,
अबू जहल जो है ना, जब किसी मौजज़ और ताकतवर आदमी को मुसलमान होने की खबर सुनता था ना, तो उसे बहुत बुरा भला कहता, उसे जलील और रुसवा करता और उसको माल के साथ ना सख्त नुकसान पहुंचाने की धमकियां देता। अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो उसे बहुत मारता और दूसरों को भी कहता कि इसको तंग करें, इसको मारें। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, वो बनू मखज़ूम के ग़ुलाम थे। उन्होंने और उनके अम्मी अब्बू ने ना इस्लाम कबूल कर लिया तो उन पर तो क़यामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश पेश था, सख्त धूप के वक्त उन्हें पथरीली ज़मीन पर ले जाकर उसकी तपिश से उसे सज़ा देते थे, यानी उनको ना ज़मीन पे लिटा दिया करते थे, गरम गरम ज़मीन पे। एक बार उन्हें इस तरह सज़ा दी जा रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आखिरकार यासिर जुल्म की ताब ना लाकर वफात पा गए, यानी अम्मार बिन यासिर के जो अबू थे ना, वो इंतकाल कर गए। और उनकी वालदा सुमैया, उनको अबू जहल ने नेज़ा मारा और वो दम तोड़ गईं। ये इस्लाम की पहली शहीदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और जब मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कुफार ने जुल्म किए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मदीना की तरफ़ हिजरत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ़ हिजरत की, तो वहाँ पर भी जो है ना, जाने के बाद भी कुफारे मक्का जो थे ना, वो उन्होंने अपनी दुश्मनी ख़त्म नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपना जो है एक लोगों को बहुत उकसाया कि हम जो हैं जंग करते हैं मुसलमानों से और उनको ख़त्म कर देंगे, और जनाब एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया अपना ना मुसलमानों से जंग करने के लिए। और ये जंग जो हुई थी वो जंग बदर के मकाम पर हुई थी और इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। अब इस जंग में अबू जहल के साथ क्या हुआ, इसका वाक़या हम सुनते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि जंग बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ, दाएं बाएं दो नौजवान नौजवान हैं। यानी जब वो खड़े हुए थे जंग के दौरान, तो उन्होंने देखा कि दो यंग लड़के जो हैं उनके दाएं बाएं यानी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे हैं, तो मैं हैरान हुआ। तो इतने में एक ने अपने साथी से छुपा कर मुझसे पूछा कि चचा जान, मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे तुम उसका क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम में जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जा करके यही बात कही। इसका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लेकर झपट पड़े और उसे मारकर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पोंछ चुके हो? बोले, नहीं। आपने दोनों की तलवारें देखी और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान जो है मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह को दिया। दोनों हमलावरों के नाम जो थे ना, मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह और मुआज़ बिन अफरा हैं। अच्छा, जब मौरका ख़त्म हो गया ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ है। इस पर सहाबा किराम उसकी तलाश में बिखर गए, यानी देखने लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, उन्होंने उसे इस हालत में पाया कि सांस जो थी, उन्होंने उसकी गर्दन पर पांव रखा और सर जैसे ना काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रसवा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे को रसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है? यानी अभी तक उसमें इतनी अकड़ थी, इतनी प्राउडनेस थी,
या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी कोई ऊपर आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से, जो उसकी गर्दन पर पांव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया है। वाज़े रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो हैं वो बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर काट लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया और कहा कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आपने तीन बार फरमाया, वाकई इस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे ग्रोहों को शिकस्त दी। फिर फरमाया, चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ। हमने आपको ले जाकर उसकी लाश दिखाई और आपने फरमाया, ये इस उम्मत का फिरौन है। बच्चों, तो आपने देखा कि अबू जहल जो है वो अपनी मगरूरियत की वजह से, अपनी प्राउडनेस की वजह से उसने ना तो इस्लाम कबूल किया बल्कि मरते वक्त भी उसका रवैया कितना ख़राब था। तो हमने क्या सीखा इससे? हमने सीखा है कि हमने जब हम तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो हमने कभी भी प्राउड नहीं होना है, ठीक है? हमने हमेशा झुक कर रहना है, क्योंकि जो फलदार दरख्त होते हैं ना, वो झुक के रहते हैं। तो तालीम भी हमें ये शऊर देती है कि हम अपने बड़ों का अदब करें, उनकी इज़्ज़त करें, और अगर हमें कोई अच्छी बात बताता है तो उसको गौर से सुने। अगर कोई हमें दीन के बारे में अच्छी बात बताता है तो उसे सुने और उस पर अमल करें, और दीन की बात वही अच्छी होगी जो कि कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगी, ठीक है? इसके अलावा और कोई नहीं। चलें, अब अपने सबक का यहीं इख्तिताम करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।